महंगाई के खिलाफ मेरठ से एक अनोखा प्रदर्शन सामने आया है। बढ़ती तेल की कीमतों पर समाजवादी कार्यकर्ताओं ने बैलगाड़ी पर बैठकर प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिस तरह से देश के अंदर लगातार तेल की कीमतों में वृद्धि हो रही है, कहीं ना कहीं आम जनता का सरकार खून चूसने का काम कर रही है। कोरोना काल के चलते लगातार तेल की कीमतों में बढ़ोतरी होने से लोग परेशान हैं। हर रोज़ तेल की कीमत बढ़ती जा रही हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिस तरह से तेल की कीमत हर रोज़ बढ़ाई जा रही हैं, उसी से परेशान होकर लोग गाड़ी और किसान ट्रैक्टरों पर चलने में परेशान हैं। हर रोज़ सरकार तेल में वृद्धि कर रही है, वहीं जनता कोरोना काल के चलते परेशान है और उसके बावजूद लगातार सरकार लोगों की मुसीबत कम करने के बजाय बढ़ा रही है। लेकर आज आप ये बैलगाड़ी तो देखिए, मैं सरदार परविंदर सिंह यीशु, सपा का कार्यकर्ता। बढ़ते तेल और डीजल की महंगाई को लेकर आज हम लोग जो है बैल पर चलाने को मजबूर हैं। एक इन्होंने नारा दिया था, मोदी है तो मुमकिन है, ठीक है जी, वो वाकई मुमकिन है। सरसों का तेल देखो जी कहाँ पहुँच गया, 200, पेट्रोल 100 के पार, डीजल का क्या रेट हो गया। तो पूरा का पूरा इन्होंने देश पूंजीपतियों के हाथ में दे दिया और ये लूटने का जो है कोई मौका ये सरकार लोगों को नहीं छोड़ रही। और हमारी तो अब सीधा सीधा लोगों से मांग है कि इस सरकार को बर्खास्त करने में मदद करें, क्योंकि वोट से सरकार बनती है, वोट से सरकार हटती है। बस इसलिए हमने आज प्रदर्शन किया बैलगाड़ी पर चढ़ के, क्योंकि भाजपा हमें उसी जमाने में ले आई, क्योंकि पेट्रोल बेचारा कौन भरवा लेगा जो गरीब आदमी होगा जी।